डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं उनकी विंटर केयर कैसे की जाए, क्योंकि एक तो इंडोर लगे हुए हैं, आप इंडोर लगे हुए हैं तो उसमें आपको पूरा धूप का ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका वाटरिंग का ध्यान देना पड़ेगा, और वो स्पेशली विंटर्स में कहाँ रखे जाए उसका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है प्लेस, कहाँ वो रखने चाहिए स्पेशली इंडोर प्लांट्स। ये मेरे सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि बेडरूम में रखे हुए हैं, जहां से थोड़ी डायरेक्ट सनलाइट भी आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट भी रहती है 2-3 बजे तक। तो हमें स्पेशली उस जगह का ध्यान देना चाहिए जहां पे ये प्लांट्स इंडोर हम लगा रहे हैं कि वहां पे एटलीस्ट इनडायरेक्ट सनलाइट आए। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने लोग बोलते हैं कि डार्क प्लेसेस पे भी प्लांट्स लगाने चाहिए, लेकिन नहीं, ये ग्रीन प्लांट्स हैं। इन ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके लिए इनको सनलाइट की जरूरत है। कुछ प्लांट्स होती है जिनको डायरेक्ट सनलाइट की काफी जरूरत होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, जिससे एटलीस्ट ये फूड बनाएंगे और फूड बनाने के बाद ये जो है अपनी ग्रोथ करेंगे, पूरे पार्ट्स में ये फूड भेजेंगे, जिससे आपका प्लांट जो है हेल्दी दिखेगा। तो सबसे पहले हमें इंडोर प्लांट्स के स्पेशली इन विंटर्स हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जगह कौन सी ढूंढनी है इसकी, जहां पर एटलीस्ट इनडायरेक्ट सनलाइट आए। दूसरी चीज, सेकेंडली जो है वो हमें इसका वाटरिंग का ध्यान देना है कि एक तो इंडोर है, ऊपर से विंटर्स हैं, तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इनको वाटरिंग कम करनी है। इनको तभी करनी है जब इनकी ऊपर की मिट्टी एटलीस्ट 1-2 इंचेस, आपको चेक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-2 इंचेस सूखी हो तभी इसमें वाटरिंग दीजिए। एक तो इंडोर है तो वो अंदर से पानी में इनकी रूट्स जो है वो गल जाएंगे। थर्डली, जैसे इसकी सॉइल की बात की जाए तो सॉइल तो इसका ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक तो आप इंडोर लगा रहे हैं, ऊपर से आपने सॉइल ऐसी रख दी है बिल्कुल हार्ड सॉइल। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाना भी चाहते हैं, आपको बहुत शौक है, तो आप ऐसे इंडोर प्लांट्स लगाइए जो कि एयर प्यूरिफाइंग का भी काम करते हैं, जिससे एक काम के साथ साथ दो दो हो जाएंगे। एक तो आपको अंदर अच्छी डेकोरेशन हो जाएगी प्लांट से, प्लस आपके एयर प्यूरिफायर भी करेगा। ये कि ये 24 आवर्स ये ऑक्सीजन दे। तो अगर सपोज इनकी लीव्स पर डस्ट वगैरह बैठ गई है तो आप पाइप से तो वाटरिंग नहीं कर सकते हैं अंदर, तो आप जो है वो ऐसे स्प्रेज आते हैं मार्केट में, इनसे आप इनको ऐसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे इनका फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन अच्छा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।